तो ये रिसालत ही काता करदा हुआ कानून है। रसूलों की तालीमात ने इंसानों की हमेशा रहनुमाई की, वो अपने साथ खुली खुली निशानियां लेकर के आए, किताब इलाही का इल्म लेकर के आए और नेकियों का बाग लगा करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तमाम रसूलों के बाद आखिरी रसूल तशरीफ लाते हैं, जिन्हें हम बागे रिसालत का महकता हुआ आखिरी फूल कहते हैं। तमाम रसूलों के बाद, तमाम नबियों के बाद आखिरी नबी तशरीफ लाते हैं, जिन्हें हम इमारत नबूवत की आखिरी ईंट कहते हैं। आप गौर फरमाएं कि किस तरीके से पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ और तरक्की करते करते आखिरी पैगंबर पर खत्म हुआ। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आज दुनिया में जितनी भी औलादे हैं, ये सब की सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं। आपको हुक्म दिया गया कि अपने औलादों को तालीम दें कि तुम्हारी और सारी कायनात का खुदा एक है, अगर तुम उसकी तातो बंदगी करोगे तो तुम्हें अच्छे इनामात मिलेंगे, अगर उसकी बंदगी से रूगर्दानी करोगे तो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में जो लोग नेक थे, बाप के फरमाबरदार थे, वो अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन जो नाफरमान थे वो अपने बाप के बताए हुए रास्तों पर चलने से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे लोगों ने बुराइयों को अपनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे लोगों ने मुख्तलिफ चीजों की इबादत शुरू कर दी, धीरे धीरे लोगों ने गुमराहियों को अपनाना शुरू कर दिया। जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, मुख्तलिफ कौमें वजूद में आ चुकी थी।